हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज है 29 नवंबर 2023 और आज की 11 अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहां पर आ चुका हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएड काउंसलिंग की। तो बीएड काउंसलिंग का रिजल्ट कब तक आएगा, बहुत सारे आपके यहां पे कमेंट आए थे। तो दोस्तों, इसका रिजल्ट जो है आज आ जाएगा, ऐसा यहाँ पर जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसमें कहा गया है, ठीक है। उसके बाद 30/1/2 तक आप जो है कॉलेज में जाके अपना फीस वगैरह वहाँ पर सबमिट कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी है वहाँ पे, जो भी बाकी की फॉर्मेलिटी होती है वो आप इन 3 दिनों में कर पाओगे। ओके, आज आपका रिजल्ट आ जाएगा, बाकी देखते हैं कब तक आता है कब तक नहीं। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही, सुक्खू सरकार की सख्ती, 100 योजनाओं और कार्यों के टेंडर रद्द, किसी ने अधूरे दस्तावेज दिए तो कहीं तकनीकी कारणों का एक ही निविदा आने पर की गई कार्रवाई। नोएडा विश्वविद्यालय में चालकों की नियुक्ति, बिजली बोर्ड में कंडम वाहनों की नीलामी का टेंडर रद्द। नेक्स्ट अपडेट ये रही, शुद्धता पर खरा उतरा द्रंग का नमक, जल्द बाजार में उतरेगा तैयारी। जांच के दौरान क्रिस्टलयुक्त निकला नमक प्राकृतिक विधि से होगा तैयार, सौर बाष्पीकरण प्रक्रिया से प्राकृतिक नमक पानी का बन रहा नमक। नेक्स्ट अपडेट ये रही, 134 महाविद्यालयों में नियुक्त होंगे 600 सहायक प्राध्यापक। तो प्रदेश के कॉलेजों और स्कूलों में खाली चल रहे शिक्षकों की रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश के कुल 134 सरकारी महाविद्यालयों में से 80 प्रधानाचार्य की नियुक्ति की गई है, जबकि 600 से अधिक सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति की जा रही है। टीजीटी एंड सीएनडबी के 521 पद जल्द होगी बैचवाइज भर्ती रोहित। नेक्स्ट अपडेट ये रही, अक्टूबर के पहले हफ्ते होगा ट्रेन सेट का ट्रायल, कालका शिमला ट्रैक, गियर रेशो और पावर बैक को किया अपग्रेड, कूलेंट में भी किया बदलाव, फरवरी में किया गया था ट्रायल। 82 दिन बाद मनाली पहुंची वोल्वो बस का ट्रायल सफल, मनाली बस स्टैंड से संचालन शुरू, पर्यटन को फिर से लगेंगे पंख। नेक्स्ट अपडेट ये रही, नगर निगम में चालकों की भर्ती में गड़बड़, रिश्तेदारों को दे दी नौकरी। सदन में आज रिपोर्ट पेश करेगा एमसी, सैनिटरी इंस्पेक्टर भर्ती पर पहले ही उठ चुके हैं सवाल। नेक्स्ट अपडेट ये रही, आपदा से निपटने को 3615 पंचायतों में बनेगी योजना, भारी तबाही के बाद आपदा प्रबंधन के लिए 2 अक्टूबर को प्रदेश में होंगी विशेष ग्राम सभाएं। नेक्स्ट अपडेट ये रही, अब ग्रामीण क्षेत्रों में दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें, अधिक ग्राउंड क्लियरेंस वाली टाइप 2 वाली 300 बसों की खरीद करेगा निगम, प्रदेश में बनेंगे 2 क्लीन एंड ग्रीन कॉरिडोर। नेक्स्ट अपडेट ये रही, स्टे राउंड में MBBS BDS की सभी सीटें फुल। नेक्स्ट अपडेट ये रही, विश्वविद्यालय ने LLM प्रवेश परीक्षा का परिणाम किया घोषित। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, वेबसाइट के ऊपर ये रिजल्ट जो है अपलोड कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, SPU के BSc प्रथम वर्ष में मात्र 14.38% विद्यार्थी उत्तीर्ण, मेहरचंद महाजन DAV कॉलेज कांगड़ा की छात्रा साइना शर्मा रही प्रथम। और बाकी आप यहाँ देख ही सकते हो, इसके अलावा HPU में MEd MA एजुकेशन की काउंसलिंग में 172 छात्र अपीयर हुए हैं। तो वैसे दोस्तों, आज की अपडेट्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।